24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए रुक करते हैं, अब लगातार बढ़ रही तेज और तर्रार खबरों की। नमस्कार, अखंड हिंदी न्यूज 24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। यहां पर आज हम मौजूद हैं कानपुर में विनय ठाकुर जी के आवास पर, और देखा यह जा रहा है कि जगह जगह युवा अपने अपने स्तर से राजनीति में बहुत तेजी के साथ सक्रियता बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक सवाल रहता है, क्या हम आगे चलकर उस स्तर पर पहुंच पाएंगे जहां के लिए हमने इस राजनीति में अपना कदम रखा है। उनके माँ बाप के अंदर भी एक ये फीलिंग होती है कि बच्चों को राजनीति नहीं करनी है, लेकिन फिर भी सारी जदोजहद को पार करते हुए विनय ठाकुर जी अपने इस कार्य में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और क्षेत्रीय जनता इनसे काफ़ी खुश नजर आ रही है। आइए सीधे दो बात करते हैं विनय ठाकुर जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत हमारे चैनल पर। जी मैं विनय ठाकुर बर्रा से हूँ। क्या करते हैं आप? जी मैं जनता की सेवा करता हूँ और जनता का प्रतिनिधि हूँ, और मेरा राजनीतिक में आने का उद्देश्य अपना कोई स्वयं का फायदा नहीं है। देश में होने वाले भ्रष्टाचार को लेते, मतलब जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता परेशान है, उसको लेकर जनता के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो आप किसी एक पार्टी को पर्टिकुलर लेकर चल रहे हैं कि आप निश्चित रूप से किसी एक दल को नहीं लेकर चल रहे हैं, अपने उससे चल रहे हैं? जी अभी तो मैं बीजेपी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर जनता कहेगी अगर बीजेपी से हटने के लिए, तो मैं जनता के लिए बीजेपी से भी हट सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जनता के लिए। अभी आप केवल पर्टिकुलर कानपुर से ही काम कर रहे हैं कि इसके उपरांत भी आपने किसी अन्य जिलों में भी काम किया है, या फिर आप किसी एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि के साथ काम कर रहे हैं? जी नहीं, अभी तो मैं सिर्फ कानपुर में ही काम कर रहा हूँ, अगर जनता का सहयोग रहेगा तो फिर बाहर भी देखेंगे। तो क्या क्या आप काम करा लेते हैं अपने मार्फत से? जी अभी तो जो थाने वगैरह के जो लोग मतलब काम नहीं करते हैं आम जनता का, उसमें उनका काम करवा देता हूँ, और कचहरी वगैरह में हो गया, बिजली विभाग में हो गया, या किसी भी चीज़ कोई छोटे मोटे जो काम होते हैं जनता के और पर्सनल मैटर भी उनके होते हैं, तो उनको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपको नहीं लगता है जो काम आपने अपने हैंड ओवर लिया हुआ है, जैसे थाने कचहरी का हो गया या फिर बिजली विभाग का हो गया, तो ये अधिकतर काम क्षेत्रीय प्रतिनिधि के होते हैं, जैसे पार्षद हो गए, सभासद हो गए और विधायक हो गए, इन सब का काम होता है, तो आपको नहीं लगता है कि उनको ये काम करना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में आपने बताया आप बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी सत्ता में है, कानपुर में 8 विधायक हैं और महापौर भी उनकी ही है, तो क्यों उनको ये काम नहीं कर, आपको क्यों काम करना पड़ रहा है उनका काम? जी जो जनता है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, उन नेताओं तक, तो उन बड़े लोगों से मिलवाने की जो जिम्मेदारी है, मतलब मैं बीजेपी के लोगों से जो ऊपर दल में बैठे हुए हैं उन तक इनकी नीचे लेवल के लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाता हूँ। काफ़ी लोग हैं, हमारी जनता है जो मतलब अपना काम नहीं स्वयं करवा पा रही है, या पुलिस ऑफिसर वगैरह है या जो भी, उनका काम नहीं कर रहे हैं, उनका काम मैं उनके लेवल से करवाना चाहता हूँ, जो बड़ी पोस्ट में बैठे हुए हैं उन तक इन लोगों की बात पहुँचाता हूँ। तो आगे आपने क्या सोचा है, क्या आप ऐसे ही लगातार जनसेवा करते रहेंगे, कि आगे आपको किसी चीज़ में आपने कुछ सोच रखा है कि आगे चल के हमको ये करना है या इस चीज़ में हमको आगे आना है? जी वैसे तो मैं अभी जनता की सेवा ही करता रहूँगा, अगर जनता कहेगी तो आने वाले टाइम पे चुनाव लड़ने का सोच रहा हूँ। किस टाइप का चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? जी वैसे तो अभी नीचे लेवल से पार्षदी से शुरू ही करना चाहते हैं, और बाद में देखते हैं, फिर जब जनता का सहयोग जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा, और वैसे ही काम करूँगा। वैसे अभी कानपुर से कितने बीजेपी के विधायक हैं जो आपके सपोर्ट में रहते हैं, या फिर आप किसके किसके सपोर्ट में आ रहे हैं काम कर रहे हैं? जी बीजेपी के विधायक तो जो अभिजीत सिंह सांगा जी हैं, उनके साथ में हम लगे हुए हैं, और हमारे बड़े भाई हैं उनके साथ में, उनका काम भी बहुत अच्छा है और वो भी जनता की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और इस समय उन्हीं के साथ में हम लगे हुए हैं, और हमारे बड़े भाई जीत प्रताप सिंह जो हैं उनके साथ भी लगे हुए, गोविंद नगर विधानसभा से बीजेपी का उनको टिकट भी मिलने वाला है, जनता का मतलब साथ रहा तो उनको टिकट मिल जाएगा गोविंद नगर विधानसभा से, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ भी लगे हुए हैं, और बस ऐसे ही जो हमारे बड़े भाई लोग हैं जो हमें सही लगते हैं उनके साथ में हम लगे रहते हैं। अच्छा, जैसे कि भैया जी ने बताया कि जीत प्रताप सिंह जी को बहुत जल्दी कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से टिकट मिलने वाली है, और लगातार उसी में साथ में अग्रसर हो रहे हैं और लगातार उनको विजयी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर बीजेपी टिकट देती है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव की संभावना हो रही है, संभावना नहीं क्योंकि उपचुनाव होने हैं क्योंकि पचौरी जी सांसद बन चुके हैं, तो क्या लगता है कि आपको जीत प्रताप सिंह जी को ही मिलेंगे कि अनूप पचौरी जी को टिकट दी जाएगी?
वैसे जनता में तो जो सबसे ज्यादा आना जाना बना के रखा है घरों में, दुकानों में, आदि जगहों में, और जो उनका काम करा रहे हैं, वैसे तो मुझे जीत प्रताप सिंह लग रहे हैं। उन्होंने काफी समय से इसमें संपर्क बना के रखा हुआ है। उन्होंने सांसद का भी चुनाव लड़ने का सोचा था, पता नहीं बीजेपी का जो भी हो, मतलब कोई जनता को अच्छे लगे होंगे तो उनको टिकट मिला था। तो पंचौरी जी जीते हैं, हमारे यहाँ के सांसद वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे जीत प्रताप जी हैं, मुझे ऐसा लगता है और जहाँ तक जनता को भी ऐसा लगता होगा गोविंद नगर की विधानसभा में, कि उन्हीं को ही टिकट मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा विनय जी, आप ये बताइए, शुरुआत में आपने जब शुरुआत की अपनी राजनीति में आने के लिए, तो किस स्तर से आपने शुरुआत की थी आप? जी, मैंने जब पॉलिटिक्स में मैं आया था राजनीतिक में, तो बहुत ही नीचे स्तर से आया था। काफ़ी लोगों ने हंसी मजाक बनाया था इसको लेके। लेकिन इस समय जब लोगों के काम होने लगे तो वही लोग अब आने जाने लगे हैं। इस समय जनता की सेवा में ही लगा हुआ हूँ और लोगों में लोग थोड़ा बहुत सम्मान करने लगे हैं। और बहुत ही नीचे स्तर से आया था, अगर जनता का सहयोग बना रहेगा तो बहुत ही ऊँचे स्तर में जाऊँगा। क्या शुरुआत में आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया था? शुरुआत में तो जी नहीं किया था, लेकिन देखते हुए हमारा जब तक हमने जब पॉलिटिक्स शुरू किया तो शुरुआत में तो नहीं पेरेंट्स ने सहयोग किया था, लेकिन जब मैं उठ गया हूँ थोड़ा बहुत आ गया जनता के सहयोग से, तो इस समय तो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिसके ऊपर पेरेंट्स का साया होता है वही आगे बुलंदियों को छूता है, और हमारी आशा है कि आप आगे चलकर बहुत आगे जाएं। और जो आपकी जो भी आपके विचार हैं बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से माना ये जा रहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता है, तो क्या आपकी अपनी पर्सनल टीम कितनी है, आप किस स्तर से इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं? जी, हमारी पर्सनल टीम 80 लोगों की है, और उस पर हम वो लोग हमारे जो भाई लोग हैं वो साथ दे रहे हैं इस समय मेरा, और उन्हीं को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप कुछ शुभ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के मार्फत से कानपुर की जनता को या गोविंद नगर की जनता को? जी, बस मैं यही देना चाहता हूँ कि आप लोग एक अपना एक अच्छा प्रतिनिधि को ढूंढें और उसी को वोट करें, किसी पार्टी को लेके या मतलब किसी गलत व्यक्ति को वोट मत कीजिए। किसी ऐसे आदमी को वोट कीजिए जो आपको लगता है कि वो आपका प्रतिनिधि बनने लायक है, उसको नेता नहीं, आप अपना प्रतिनिधि समझ के उसको वोट दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।